जय हिंद दोस्तों, मुझे पता नहीं आप किसको सुन रहे हैं, कभी कुमार विश्वास को, एक राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले एक कार्यकर्ता को, सोशल एक्टिविस्ट को, पर थोड़ी देर के लिए मुझे मत देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनिए। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें कश्मीर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव निर्विघ्न कराने के लिए गए हुए भारत के कुछ बेटे, हिंदुस्तान के कुछ वीर सिपाही, अर्धसैनिक बल सड़क पर जा रहे हैं और वहां कुछ शोहदे, कुछ लफंगे उनको थप्पड़ मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनका हेलमेट छीन रहे हैं। वो सशस्त्र हैं, उनके हाथों में राइफल हैं, लेकिन उनके पैरों में इस तथाकथित कानून और कुछ मानवाधिकारों की बेड़ियां हैं। मुझे 2 दिन से बड़ी बेचैनी है इस बात की कि इस पर क्या किया जाए। मैंने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखी, लोग कह रहे हैं देखिए हमारे सैनिकों में कितना धैर्य है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो मानवाधिकार की बात करने वाले लोगों को जो कहते थे उनको अकल आनी चाहिए, देखिए वहां के लोग कैसी बातें कर रहे हैं। क्या हम इस देश में कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने नेताओं की चापलूसी और उनके घेरे से बाहर आके सोच सकते हैं? क्या हम ये सवाल कर सकते हैं कि एक राज्य में, केंद्र में एक जैसी सरकार होने के बाद, सारी शक्ति होने के बाद भी हिंदुस्तान के किसी बेटे पर एक लफंगा हाथ कैसे उठा देता है? और क्या हम ये सोच सकते हैं कि इस देश के लोकतंत्र का महापर्व मनाने के बाद अगर 6% वोट कश्मीर में कास्ट हो रही हैं तो इसके केवल 2 कारण हो सकते हैं, या तो भय है या भरोसा नहीं है, या तो लोगों को भय है कि अगर वो वोट डालने निकलेंगे तो अलगाववादी ताकतें उन पर हमला करेंगी, या उन्हें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है। और दोनों में ही हमको चिंता करनी पड़ेगी कि हम कश्मीर के साथियों को भरोसे में कैसे लें कि वो लोकतंत्र के माध्यम से मुख्यधारा में आए, या अलगाववादियों को इतना भय कैसे हो कि अगर तुमने किसी पर हाथ उठाया, उंगली उठाई, तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। लेकिन हमें कहां चिंता है, हम अपने अपने रहनुमाओं के पीछे फिदा हैं। मोदी मोदी, अरविंद अरविंद, राहुल, हमारे पास चेहरे आते रहते हैं। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, मोदी राज आ गया, योगी राज आ गया, AK राज आ गया, राहुल गांधी जीत गए। हमें पता ही नहीं है कि कुछ वक्त का काम है। मोदी हो, राहुल हो, अरविंद हो, योगी हो, कोई भी, 5 साल 10 साल 25 साल, देश 5000 साल का है और मेरे और आपके जाने के बाद हजारों वर्ष रहेगा। लेकिन सोच के देखिए कि आप कंधार से लेकर ब्रह्म प्रदेश तक थे, लेकिन हमारी इन्हीं चुप्पियों ने और हमारी अपनी अपनी रियासतों, अपने अपने राजाओं के प्रति इन्हीं निष्ठाओं ने इस देश के टुकड़े करा दिए और हम चुप बैठे रहे। और आज हम अपने पूर्वजों को कोसते रहते हैं कि उनके रहते कैसा कैसे बट गया, हमारे रहते हो रहा है। दुष्यंत का एक शेर है, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, गृहमंत्री मेरे भी हैं, सदन में बोलने से काम नहीं चलेगा, बाहर एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। हमारा एक बेटा वहां जासूसी के आरोप में पकड़ लिया है, बाहर से उठा के ले आए, बंद कर लिया है। हम सदन में चिल्ला रहे हैं, हम सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, हम फेसबुक पे आउटरेज दिखा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हम अमेरिका की तरफ मुंह करके कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दीजिए। क्यों, आपने कर दिया? आप कर दीजिए, सबसे पहले बैठिए पार्लियामेंट में और कहिए कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हम इससे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आपने तो उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का बिजनेस स्टेटस दे रखा है। कलेजे पे हाथ रख के बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से प्याज नहीं आई तो भूखे मर जाएंगे? आप में से कितने लोग हैं कि अगर पाकिस्तान से कपास नहीं आया तो वो ठंड में मर जाएंगे? और मरते हैं तो मर जाएं हम महाराणा प्रताप की कहानियां पढ़कर बड़े हुए हैं, जहां लोगों ने घास की रोटी खाकर अपने स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता, अपनी निजता की रक्षा की है। क्या हो जाएगा इन प्रतिबंधों से? अगर नहीं आएगी प्याज, नहीं आएगी वहां से कपास, तो क्या हो जाएगा? भारत के अभूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने तय किया कि भारत की अस्मिता का प्रतीक एक बार परमाणु विस्फोट करके देखा जाए। पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ, पूरी दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाए, इसी अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए। राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक और राष्ट्रनायक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सदन के अंदर कहा भूखे रह लेंगे लेकिन हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। क्या हो गया हमारा? लगा लिए इस अमेरिका ने प्रतिबंध, उसके बाद हाथ जोड़कर इसी भारत के बाजार के दरवाजे पर आना पड़ा ना अपना माल बेचने के लिए। 125 करोड़ हैं हम, पूरी दुनिया का फैसला कर सकते हैं, इनके बाजार बंद हो सकते हैं हमारे कारण, इनकी दुकानें बंद हो सकती हैं हमारे कारण। इसलिए तय करिए, इन प्रतिबंधों से डरना नहीं है, इनकी गीदड़ भभकियों से नहीं डरना है। ये 200 साल 400 साल पहले आजादी लिए हुए देश, ढूंढे गए देश, अपने थोड़े से भौतिक बल के बल पर इस देश की आध्यात्मिक चेतना और इस देश की शक्ति को आंख दिखाते हैं। हम उस विवेकानंद के वंशज हैं जिन्होंने उस पराधीनता के समय पर भी शिकागो में जाकर दुनिया के धर्मों को यह बताया था कि हम लेडीज एंड जेंटलमैन वाले नहीं, भाइयों और बहनों वाले देश हैं।
अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए हम वसुधा को कुटुंब समझते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा युद्ध की संभावना में जी रहे सब देश सुन लें, युद्ध भी है बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। एक देश अगर आपकी तरफ इतने खतरनाक इरादे रखता है तो आपका व्यवहार समझ में नहीं आता, आप स्वधर्म में ही नहीं, आप तय ही नहीं कर पा रहे कि क्या करेंगे। इस देश को लोगों को एक बार तय करना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या है। तो आप सबसे अनुरोध है कि यह जब कहा गया कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, तो दुष्यंत ने इसी गजल में यह शेर भी कहा था कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप राष्ट्रवाद का नाम लेकर लोगों का विश्वास मत हासिल करेंगे और उसके बाद राष्ट्रवाद के प्रबल प्रवर्तक बेटे वहां थप्पड़ से पीटे जाएंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे और उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। क्योंकि सरकारें आनी जानी है, 5 साल 10 साल इन हवेलियों में, इन महलों में, इन 7 रेसकोर्स में, इन मुख्यमंत्री निवासों में आपकी अस्थियां नहीं गाड़ी जानी। ये देश याद रखता है फकीरों को, ये देश याद रखता है गांधी को, ये देश याद रखता है जयप्रकाश नारायण को। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कोटरों से बाहर निकलिए, अपने अपने ब्रैकेट से बाहर निकलिए। संकट बहुत बड़ा है, इसे हम सामान्य समझ रहे हैं। आपके आपके रहते, आपकी सरकार के रहते, हम सबके रहते, कश्मीर में कोई भी हिंदुस्तान का झंडा चला देता है। हम किससे उम्मीद करें, कवियों से उम्मीद करें? हम पिछले 10 साल से कविता सुन रहे थे, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ जाती है, देश के प्रधान को। पिछले 3 सालों में 30,000 अन्नदाता, 30,000 भूमि मां के बेटे किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पिछली बार भी की थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी की थी। इन आंकड़ों के खेल में क्या उजल गया? हम जंतर मंतर पर बैठे थे, हमारे सामने भी एक किसान फांसी पर झूल गया था, हमें भी नींद आनी बंद हो गई थी। लेकिन क्या इस पर कोई करेक्टिव मेजर्स उठा सकता है? देश के बड़े बड़े सेठों के 50-50 हजार करोड़, 60-60 हजार करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। कोई भी आदमी हिंदुस्तान का 20,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भाग जाता है पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए, और हम चुप बैठे रहते हैं। और किसान अपने मृतक किसानों के नरमुंड लेकर जंतर मंतर पर बैठे रहते हैं और हम कहते हैं कि इस पर नहीं बोलेंगे, चूंकि हमारे दल की अभी सरकार है। सरकारें किसी दल की नहीं होती, सरकारें देश की होती हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये किसी सरकार के हिस्से हैं, लेकिन ये देश के लोग हैं, ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। इसलिए दिल्ली के राज सिंहासन पर कोई भी बैठे, 5 वर्ष बैठे, 10 वर्ष बैठे, ईश्वर करे 20 वर्ष बैठे, जब तक ईश्वर उसे पास बुलाए तब तक वो वहां बैठे। लेकिन आम नागरिक होने के नाते इस पर सवाल उठाना शुरू करिए, अपनी अपनी राजनीतिक कैंचुलियों से बाहर निकलिए। अन्यथा इकबाल ने एक शेर कहा था, हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया, और आज हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 3 टुकड़े देखते हैं। इकबाल ने जब यह शेर कहा था तब बर्मा से लेकर कंधार तक सिर्फ हम थे, हिंदोस्ता थे, सिंध नदी के आर पार पूरा भारत था। इकबाल ने कहा था, वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। पिछली सरकार पाकिस्तान से बात करती थी तो हम सब लोग और विपक्ष के लोग कहते थे कि देखिए कैसी सरकार है, पाकिस्तान हमले कर रहा है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत होनी चाहिए, लोकतंत्र में महत्व यही है कि आप बातचीत करते रहे। लेकिन अब कोई भी अचानक पाकिस्तान चला जाता है, लाशें आती रहती हैं, पठानकोट पे हमला होता है, जिस ISI को हम 40 साल कहते रहे कि हमारे देश में अस्थिरता फैला रही है, आतंक फैला रही है, उस ISI की टीम बुलाकर और हमारे सैनिकों की अगवानी में सिंहों की पेशी करवा दी कुत्तों के दरबारों में। वो पठानकोट में ढूंढने के लिए गए कि हत्याएं ठीक से हो गई कि नहीं हो गई, और उसके बाद उन्होंने जाकर कह दिया रावलपिंडी में कि वो आप ही ने खुद ने कर लिया होगा। हमारा स्टैंड क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं दुनिया से? ये देश के सारे कॉर्पोरेट मिलकर एक कॉर्पस फंड नहीं बना सकते जिसमें एक फेंसिंग हो जाए, जिसमें हम उनसे संबंध नहीं रखें? क्या अगले 10 साल 20 साल हम ये भूल सकते हैं कि हमारे आसपास कोई पाकिस्तान नाम का राष्ट्र भी है? हम कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी नहीं खेलते हैं, कब गुलाम अली को सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। उधर से गजल आ जाती है तो हमारी राष्ट्रीयता प्रभावित हो जाती है। धर्मशाला में क्रिकेट खेलनी है उनके साथ और इससे पैसा मिलेगा BCCI को, इससे कुछ सेठों के धंधे चलेंगे, कुछ लोगों के चेहरे चमकेंगे, तो हम कहते हैं नहीं नहीं खेल तो होता रहना चाहिए, ऐसे संबंध क्यों खत्म करें? तय करिए कि देश है कि धर्मशाला है, कोई भी कहीं से घुसेगा या नहीं घुसेगा। सरहद पार भारत के जाबाज सैनिक एक ऑपरेशन करके आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, पूरे देश का सिर गर्व से तन जाता है। कुछ लोग उसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग पोस्टर लगाकर उसका श्रेय लेना चाहते हैं, कुछ लोग सरकार से वो श्रेय छीनना चाहते हैं, दोनों ही गलत हैं। उन सैनिकों को सलाम जिन्होंने बहादुरी के साथ भारत माता का मान ऊंचा किया और घर में घुस के उन आतंकवादियों को मारा।
लेकिन उसी सेना का एक सिपाही हमसे शिकायत करता है देश से कि भाई आपके नेता आपके अफसरों की मिलीभगत से मेरी दाल वो खा गए, मुझे हल्दी का पानी पीना पड़ रहा है, तो हम चुप हो जाते हैं। हमको लगता है नहीं नहीं अब चुप रहो, सरकार तो अपनी है। वो सिपाही किसका है, सरकार का कि भारत का? वो सिपाही भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, वो हिंदुस्तान का सिपाही है। अगर आपने उसके हक में बोलना बंद कर दिया तो हिंदुस्तान की माएं अपने बेटों को सजा के सरहद पे भेजना बंद कर देंगी। आप नहीं जाते लड़ने, सैनिक जाता है। इस उंगली में एक पिन घुसा कर देखिए, उससे पता चलता है कितना दर्द होता है। वो सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है आपकी दृढ़ता के बल पर। एक सिपाही कहता है कि मुझसे काम कराए जा रहे हैं घरेलू, मेरे प्रति अत्याचार किया जाता है, तो वो गायब हो जाता है, मृत मिलता है, और हम बोलते नहीं है इस पर। मुझे भी याद है, मैं बहुत छोटा था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी देश के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री बने बाद में, एक प्रखर वक्ता, एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, वो लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए गए थे। जो आज देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, वो उस यात्रा के संयोजक थे। हम बड़े खुश थे, हमारे कविता लिखी बलबीर सिंह करुण ने, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां हमने जाकर बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है, लो हमने जिद पूरी कर दी उस लाल चौक तक जाने की, अगली बारी रावलपिंडी पर यह झंडा फहराने की। हमने कविताएं पढ़ी, तालियां बजाई, मुझे अब भी रोमांच हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री दिवाली की छुट्टियों पर सियाचिन जाते हैं, उन सैनिकों को बताने के लिए जाते हैं कि आप मेरे घर के मेंबर हैं। क्या हम में से ऐसा कोई नहीं कर सकता? क्या देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं, आप सब साथ चलने के लिए तैयार हैं? वो पूरे कश्मीर को अपने साथ लें और कश्मीर के लोगों से कहा, आइए इस बार का 15 अगस्त लाल किले पर ध्वजारोहण के बाद 2 बजे ध्वजारोहण लाल चौक पर होगा। इतना बड़ा झंडा लगाएंगे हम कि उसकी छाया और उसकी फहर फहर पाकिस्तान तक दिखाई देगी। लेकिन हम बोलते नहीं हैं। लेकिन मैं बोलूंगा और आपको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि स्वर लय ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे? अपनी संततियों के लिए, अपने समय के लिए और अपने देश के लिए खुद को तैयार करिए, अन्यथा ध्यान रखिएगा, जो देश जो समाज अपने वर्तमान की समीक्षा नहीं करता, उसे इतिहास को आदर देता ही नहीं है, भविष्य भी उसके लिए रास्ता देने से इनकार कर देता है। तो आप सबसे अनुरोध है, यह कष्ट साझा है, मेरा भी है, आपका भी है, क्योंकि न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मुझे आशा है कि युग के इस छोटे से चारण की, युग के इस छोटे से चंद्रबरदाई की आवाज इन नवीन पृथ्वीराजों के कान तक पहुंचेगी, इन चंद्रगुप्तों के कान तक पहुंचेगी, चाहे वो दिल्ली के छोटे सिंहासन पर हो या दिल्ली के बड़े सिंहासन पर हो। और आशा है कि अपने सामान्य से नागरिक, एक सामान्य से कवि, एक सामान्य से कार्यकर्ता की बात सुनकर वो इस देश के बारे में गंभीरता से वही सोचेंगे जो ये देश सोचता है। अगर आपको बात ठीक लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, इस आवाज को इतनी बड़ी बनाइए कि इस देश की सरकारों को, इस देश में पॉलिसी तय करने वालों को, इस देश की गति नियति की दिशाएं तय करने वाले उन सब लोगों के कानों तक, उनकी आंखों तक यह आवाज पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।